बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर बनने के बाद एल्विश यादव काफी विवादों में फंसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले उन पर रेव पार्टी को लेकर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अब जो पता चला है उससे इतना तो तय है कि एल्विश की मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। एल्विश यादव केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कांड के मुख्य आरोपी राहुल और उसके साथियों के पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर बरामद हुआ है, जिसे जयपुर के लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये कथित जहर 3 नवंबर को 5 सपेरों की गिरफ्तारी के बाद बरामद हुआ था, जिसे पार्टी में सप्लाई करने के लिए मंगवाया गया था। वहीं पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस सांप के जहर में केमिकल का इस्तेमाल करके ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के अनुसार पार्टी के आयोजन स्थल बैंक्वेट हॉल से 5 कोबरा समेत 9 सांप बरामद किए गए थे, जबकि सांप का 20 मिलीलीटर संदिग्ध जहर भी जब्त किया गया था। फिलहाल आपको क्या लगता है, एल्विश यादव इस केस में निर्दोष है या दोषी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।